ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद देश लौटे भारतीय चैंपियन, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। सरकार ने संसद में कहा इजराइल के पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाले एनएसओ ग्रुप्स का कोई भी लेन देन नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों की काली करतूत, बीजेपी किसान मोर्चा के नेता और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या। भोपाल विधानसभा प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन, सीएम शिवराज ने किया है प्रदर्शनी का उद्घाटन। यूएनएससी की वर्चुअल बैठक में बोले पीएम मोदी, समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए बताए 5 सिद्धांत, कहा हमारे समुद्री रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड लाइफ इन लाइन। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने विकास नगर तहसील का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने इस दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान कार्यालय में अटेंडेंस रजिस्टर की भी जांच की। इसके साथ ही एसडीएम से कोर्ट में लंबित मामलों के बारे में भी जानकारी ली गई। डीएम ने कहा कि जहां भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है उसे खाली करवाया जाए। इसके साथ ही जन समस्याओं का समय रहते समाधान करने की भी बात कही गई है। विकास नगर तहसील का निरीक्षण किया है। वैसे मकसद यह था कि जो हम दूरस्थ गांव जो है तोली है उसका, वहाँ पे जन समस्याएं सुनने के लिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो ऐसे ही रास्ते में तहसील का भी मैंने निरीक्षण किया। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं, कुछ वाद जैसे 176 और 229 बी के जो है वाद काफ़ी लंबे समय से पड़े हैं लंबे, तो उनको जल्दी निस्तारित करने के लिए मैंने एसडीएम साहब को निर्देश दिया है। बाकी आपदा कंट्रोल रूम में एक अलग सा अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कहा है, और जो भी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगती है आपदा कंट्रोल रूम में वो भी जो है निरंतर यहाँ पे उपस्थित रहें। और बाकी अटेंडेंस वगैरह का मैंने जायज़ा लिया है, और कुछ केसेस जैसे अतिक्रमण वगैरह के केसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं विकास नगर में, उनको त्वरित निस्तारण करने के लिए कहा है। और सीएम हेल्पलाइन के जितने भी मामले हैं और सीपी ग्राम्स हैं जो पीएमओ से मॉनिटर होते हैं उसका भी उन वैसे केस। इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे उत्तराखंड ब्यूरो हेड विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विनोद, जिस तरह से आज विकास नगर में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने तहसील का औचक निरीक्षण किया है, ऐसे में और क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी देहरादून भी जिले के दूर दराज क्षेत्रों में जन समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, और जन समझ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं अगर आम ग्रामीण तक पहुंच भी रही है कि नहीं, आज विकास नगर पहुंचकर जिलाधिकारी देहरादून ने औचक निरीक्षण किया तहसील में, और तहसील प्रांगण में तहसील में समस्त अधिकारियों को उप जिलाधिकारी विकास नगर को भी निर्देशित किए हैं कि अगर कोई जन समस्याएं आम ग्रामीण की हैं, गरीब तबके की हैं, यहाँ तक कि आम ग्रामीण को अटल आवास, इंदिरा आवास तक नहीं मिल पा रहा है, आम ग्रामीण की समस्याओं पर अगर गौर नहीं हो रहा है तो उन पर गौर किया जाए। इस प्रकार जो है, अगर जिलाधिकारी देहरादून से यह भी पूछा गया कि पचौदून क्षेत्र में कहीं भी यहाँ पर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा है, और यहाँ तक कि तमाम पाबंदियों के बाद पचौदून में नदियों पर खनन, अवैध खनन पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी पाबंदी के बावजूद खनन हो रहा है, इस पर डीएम ने उप जिलाधिकारी विकास नगर को निर्देशित किया है। जी, तो जिस तरीके से विनोद आज डीएम का औचक निरीक्षण देखने को मिला है, जहां पर उन्होंने कई रजिस्टर्स को भी चेक किया है, ऐसे में क्या डीएम को कुछ शिकायतें मिल रही थी जिसके बाद अचानक इस तरह से तहसील का औचक निरीक्षण किया गया है? इस पर जब डीएम से पूछा गया, जिलाधिकारी देहरादून से पूछा गया, तो वो जानकारी देने से आनाकानी करते रहे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विकास नगर पहुंचकर जिलाधिकारी देहरादून यहां पर दूर दराज क्षेत्र का गांव तौली भोड़ में भी गए, जहां जन समस्याएं सुनी, तो कहीं ना कहीं जो है जिलाधिकारी शासन की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिलाधिकारी मौके पर जाएं, उनका निस्तारण करें, तो कहीं ना कहीं ये संदेश है। जी
जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो विकास नगर से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर डीएम का एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि डीएम ने तहसील का औचक निरीक्षण किया, जहां पर आला अधिकारियों को दिशा निर्देशित भी किया गया है। सावन के चौथे सोमवार को पिंडर घाटी के शिवालयों में बारिश के बीच श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। आपको बता दें कि पिंडर घाटी के अग्यारी महादेव, लवकुश महादेव और देवी धुरा पर्वत शिखर पर विराजमान महामृत्युंजय महादेव मंदिर में भक्त गणों का दुर्गम रास्ता है, जिसके बाद वहां पर शिव भक्त दुर्गम रास्तों से होते हुए मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद भी भगवान शिव के दर्शन के लिए श्रद्धालु वहां लगातार भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। देवीधुरा पर्वत शिखर पर विराजमान भगवान आशुतोष महामृत्युंजय महादेव के मंदिर में श्रद्धालुओं ने बारिश में भीगते हुए पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसमें हर प्रत्येक सोमवार को सारे गांव के सारे इलाके के महिलाएं, पुरुष, बच्चे अपने व्रत लेके और बेलपत्ती चढ़ा के, फल फूल चढ़ा के और साथ साथ में आते हैं, भ्रमण करते सभी मंदिरों में और बड़े आस्था से आते हैं और वरदान लेके के अपनी मन्नत मांग के अपने अपने घरों को वापस। चमोली जिले के आधा दर्जन गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़कों की हालत इस वक्त खस्ता हो चुकी है, जिसको लेकर ग्रामीण तहसील परिसर में पिछले 4 दिनों से धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सड़क की मरम्मत नहीं करवाई जाती, तब तक उनका धरना इसी प्रकार से जारी रहेगा। तो चमोली में इस वक्त ग्रामीणों की धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार आधा दर्जन गांव में मौजूद लोग इस वक्त धरना देने को मजबूर बताए जा रहे हैं। मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि हमारी जो ये सड़कें हैं, ये चढ़ गई है भ्रष्टाचार की भेंट, और जिसका कारण है कि आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो पीएम जयसवाई की सड़कें बननी है, चाहे वो मिंगदरा सनेर डांगटोली वाली हो, चाहे वो मिंगदरा बैनोली वाली हो, चाहे हसकोटी वाली हो, चाहे परखाल चोपता नाड़गढ़ परखाल चोपता हो, ये पीएम जयसवाई की जितनी भी सड़कें इस विकास खंड में निर्माणाधीन वर्तमान में चल रही है, ये बिल्कुल घटिया किस्म का इसमें निर्माण हुआ है और विभाग के पास जनता लगातार उजागर कर रही है। मैं सबसे पहले तो मीडिया का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस भोली भाली जनता का आवाज़ पहुँचाने के, शासन तक आवाज़ पहुँचाने का काम मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। मैं मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ। जहाँ तक ये रोड की बात है, जितने भी PMJSY की रोड बनी हुई है, विशेषकर जिस रोड के बारे में ये धरने पर बैठे हुए हैं और उनके साहब लोगों का कहना ये है कि ये स्लाइडिंग जोन है, इसमें वही। इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे चमोली संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुरेंद्र, जिस तरीके से नारायण बगड़ चमोली में इस वक्त ग्रामीणों का धरना देखने को मिल रहा है, 4 दिन से ये धरना इस तरीके से जारी है, ग्रामीणों की क्या कुछ समस्याएं देखने को मिली है? जी अनुष्का, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ग्रामीणों का जो 4 दिनों का जो धरना है तहसील परिसर में, और वो यहाँ पे लगातार अब आंदोलन आगे बढ़ते जा रहा है। इसमें और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि और भी जो अन्य क्षेत्रों की जो सड़कें हैं, जिन सड़कों से लोग यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जो परेशान हैं, सड़क के निर्माण से सुविधा मिलने के बजाय असुविधाएं जो लोगों को हो रही हैं, इसमें और भी क्षेत्रों के लोग इसमें इस आंदोलन में जुड़ने वाले हैं। जैसे कि हम आज आंदोलनकारियों के बीच गए थे, तो उन आंदोलनकारियों का ये कहना था कि हम आप अपने क्षेत्र की समस्याएं नहीं, अपने गांव की समस्याएं नहीं, बल्कि जो अन्य जो वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में जो सड़कें बनी हैं, चाहे वो PWD की सड़कें हो, चाहे वो PMJSY की सड़कें हो, इन सड़कों के जो निर्माण से जो स्थानीय जो पहाड़ी क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं, उनके खेत खलिहान रास्ते हैं, चाहे पेयजल हैं, चाहे उनकी जल स्रोत हैं, चाहे उनके मकान हैं, गौशालाएं हैं, उन पर तमाम तरह की जो उनके ग्रामीण की समस्याएं, उस पर वो सब लोगों को एक लामबद्ध करने के लिए प्रयासरत हैं। और वो लगातार इसमें इस आंदोलन में जो भाजपा कांग्रेस IUPD और
वामपंथी दलों का भी इसमें समर्थन मिलता जा रहा है। जैसे कि ये आज हम धरना स्थल पे गए थे तो वहाँ पे जो बैनर लगा था वो DYFI के नाम से बैनर लगा था, उसके बैनर तले ये आंदोलन चलाया जा रहा है। DYFI यानी डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया करके इसको भारत की जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले ये आंदोलन लड़ा जा रहा है। तो वहाँ पे जो DYFI के नेतागण थे उन लोगों ने कहा कि हम यहाँ पे जो है कि मात्र एक क्षेत्र को लेकर सीमित नहीं है इस आंदोलन में, बल्कि तमाम जो विकासखंड स्तर पे हैं या पूरी पिंडरघाट या जनपद स्तर पे जो भी लोग हैं जो सड़कों से प्रभावित हैं, क्योंकि कई कई आज मतलब कई तीन तीन महीने हो गए लोगों को, चार चार महीने हो गए जहाँ सड़कें बंद हैं, आज भी रोड नहीं खुली हैं। तो ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ता जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि हालांकि इस आंदोलन के दूसरे दिन ही उपजिलाधिकारी सुधीर कुमार जी ने इन आंदोलन के लोग ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए और एक जांच कमेटी बना दी थी, जिसमें तहसीलदार के नेतृत्व में PMJSY के शासी अभियंता अपलिक प्रतिनिधि और PWD के शासी अभियंता अपलिक प्रतिनिधि। तो दूसरे दिन शुक्रवार से इन लोगों का आंदोलन शुरू हुआ था और शनिवार को ये जो जांच कमेटी है, ये जांच कमेटी उस क्षेत्र में गई थी, उन्होंने जांच भी किया था। और उसके बाद शाम को जब ये धरना स्थल पर लौटे तो वहाँ पे आंदोलनकारी को इन्होंने समझाने का प्रयास बहुत किया था, तहसीलदार महोदय ने भी और PMJSY के जो यही थे नीरज कांडवाल, उन्होंने भी आंदोलनकारी को आश्वासन देते हुए ये कहा था कि आप अपना आंदोलन स्थगित कर दीजिए, आपकी समस्याओं पे का समाधान और हल हो जाएगा। किंतु आंदोलनकारी को ये कहना था कि भाई जब चार साल पांच साल से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ये मात्र बरगलाने वाली बात है कि एक दिन में हम अपना आंदोलन समाप्त कर दें और हम आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे जब तक कि हमारी आंदोलन का अस्थायी समाधान न हो। और वास्तव में हम भी कहना चाहेंगे कि जो पर्वतीय क्षेत्र में सड़कें बननी है, इन सड़कों पर डंपिंग जोन का कहीं कोई मानक नहीं है, ये पहाड़ खोद करके मलबा पत्थर चट्टान के ऊपर फेंक देते हैं और वहां नीचे चाहे कोई गांव हो, चाहे खेत खलियान हो, चाहे वहां लोगों के पैदल रास्ते हो, चाहे वहां लोगों के जल स्रोत हो, तो ये बहुत तरह की अनियमितताएं हैं। तो स्वाभाविक है कि लोगों का आंदोलन करना बहुत ही जायज है और हम भी चाहेंगे कि भाई लोग अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ें और अपने जो उनका नुकसान हो रहा है उसके भी लड़ें। तो ये आंदोलन और बढ़ने वाला है और तीन दिनों के बीच में PMJSY के कोई लोग वहां पे भी नहीं आए दूसरे दिन के बनिस्पत, लेकिन अब देखना होगा कि जो चार दिनों का आंदोलन है ये आंदोलन कहां तक जाता है और शासन प्रशासन इसको किस ढंग से लेता है। और ये आंदोलन जहां तक आज हमारी आंदोलनकार से बात हुई तो ये लगा कि ये आंदोलन निरंतर बढ़ेगा और इसमें अन्य जो क्षेत्रों के सड़कों से लोग परेशान हैं वो भी इस आंदोलन से जुड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेने वाला है और जो आंदोलन है वो बड़ा रूप लेने वाला है। आंदोलनकारी इसमें और अन्य जगह भी लोग संपर्क कर रहे हैं कि कहाँ जहाँ जहाँ सड़कों से लोग परेशान हैं। जी सुरेंद्र, जिस तरीके से ये चार दिन से ग्रामीणों का धरना देखने को मिल रहा है, आधा दर्जन से ज्यादा गाँव के लोग इस वक्त धरना देने को मजबूर है, प्रशासन की तरफ से सांत्वना भी दी गई कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्यवाही की जाएगी, बावजूद इसके ग्रामीण है जो तहसील परिसर से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसे में जो कार्यालय में मौजूद आला अधिकारी है तहसील भवन में, उनका क्या कुछ इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है, क्योंकि ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि वो अनशन अभी खत्म जल्द नहीं करने वाले हैं। जी मैं अनुष्का जी, मैं बता चुका हूँ कि आंदोलन शुक्रवार से शुरू हुआ था और शनिवार को जो कमेटी बनाई गई थी उपजिलाधिकारी की तरफ से, वो कमेटी शनिवार को ही शाम को क्षेत्र में जांच करके आ गए थे, लेकिन आंदोलनकारी उनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने आंदोलन ने 15 दिन का समय दिया है कि उन्होंने कहा कि 15 दिन तक हम इस अनिश्चित जो आंदोलन कर्मी कंसर्न है उस पर बैठे रहेंगे और 15 दिनों में अगर हमारे जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो हम आंदोलन स्थगित करने का भी विचार करेंगे और यदि 15 दिनों के बाद अगर हमारा आंदोलन की जो मांगे हैं वो मांगे पूरी नहीं होती हैं तो ये आंदोलन भूख हड़ताल की तरफ जाएगा, ये आंदोलन उग्र आंदोलन की तरफ जाएगा। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चमोली से ये पूरी खबर सामने आई है जहां पर सड़क समस्याओं को लेकर ग्रामीण पिछले 4 दिन से तहसील भवन में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं ग्रामीण और उन ग्रामीणों की मांग है कि जब तक सड़कों का निर्माण नहीं होता तब तक ये धरना खत्म नहीं किया जाएगा।
वहीं चमोली जिले के बड क्षेत्र के अमरपुर कमियार को जोड़ने वाला मोटर मार्ग पिछले कई महीनों से बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि अमरपुर कमियार गांव को जोड़ने वाला मोटर मार्ग 15 मई से क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि 3 माह से मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त है, कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन आज तक मोटर मार्ग जैसे का तैसा पड़ा हुआ है। मैंने ऑफिस में फोन किया था जे साहब को, जे ने कहा था कि खुल जाएगी रोड, इससे पहले भी एक हफ्ते पहले बात की थी उनसे, बात की थी PWD के सर को भी बात की थी, उन्होंने भी कहा खुल जाएगी अगस्त लगने से पहले हम खोल देंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई खुलने की गुंजाइश क्या, कोई लोग यहाँ पे आते नहीं है साहब। ये जो रोड के ऊपर हमारी गौशाला थी और सारी गौशाला नीचे आने वाली है और 2-3 खेत भी टूटकर नीचे आ गई हैं, सब फसल भी नीचे आ गई है और 2-4 पेड़ भी आ गए अखरोट संतरे के चिमले के। वहीं मुहर्रम के मद्देनजर कलियर थाना क्षेत्र के इमलीखेड़ा चौकी पर सर्व समाज के गणमान्य लोगों ने पुलिस के साथ बैठक की। बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने बताया कि मुहर्रम के दौरान किसी भी तरह का जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी, इसलिए जुलूस निकाल कर शांति सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश न की जाए। अभी जो मुहर्रम के सिलसिले में जो मीटिंग ली गई है उसमें COVID-19 के नियमों के तहत जो इस बार ताजी निकालने का जो जुलूस निकालने को लेकर जो गाइडलाइंस है उसके बारे में लालकुआ इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अगस्त क्रांति पखवाड़ा के तहत पदयात्रा निकाली। इस दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेशों को जनता तक पहुंचाया गया। पदयात्रा कार्ड रोड स्थित प्राइमरी विद्यालय से शुरू होकर बिंदु खत्ता निकाली गई। कांग्रेस नेता ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगातार महंगाई बढ़ रही है लेकिन बीजेपी मुख्यमंत्री बदलने में व्यस्त है, जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। देखिए आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज अगस्त क्रांति को एक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है यहाँ पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक नारा दिया कि हर हर कांग्रेस घर घर कांग्रेस, और प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता जो है अपने घरों में झंडा लगाकर अपने पास पड़ोस में झंडा लगाकर एक संदेश देना चाहता है कि कांग्रेस लाओ देश बचाओ। महाराष्ट्र के मैदान से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ही ऐलान किया था 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो, और आज हम सब लोग स्वतंत्र हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और अंग्रेज यहाँ से जल गया, तो इसलिए इस झंडा यात्रा ये हमारा कांग्रेस का झंडा एक देश का प्रतीक है, ये आंदोलन का प्रतीक है, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक है, तो इस झंडे की मर्यादा को रखने के लिए हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि मिल करके भाजपा भगाओ कांग्रेस लाओ, भाजपा भगाओ देश बचाओ, ये नारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने मानी प्रचार संचार समिति के अध्यक्ष श्रीराज। आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय नैनीताल के पंत पार्क में फ्री गारंटी बिजली कार्ड योजना का कैंप लगाया। इस दौरान आपके इस योजना से लोगों को जोड़ने का कार्य व्यापक स्तर पर किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की इस योजना से जुड़कर अपना बिजली गारंटी योजना कार्ड पर नाम दर्ज कराया। पार्टी के मंडल अध्यक्ष शाकिर अली ने कहा कि आप पार्टी किसी के साथ भेदभाव का बर्ताव नहीं करती, आम आदमी में भारी उत्साह है और लोग बढ़ चढ़ कर इस योजना में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय गोठियाल आज गजा पहुंचे, जहां पर आप कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अजय कोठारिया के इस दौरान कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से उन्होंने संवाद किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य की अवधारणा को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए नए सिरे से काम करने की जरूरत है, राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। 8-10 तारीख तक हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, यहाँ पे राजू कुंडी रहे हमारा अच्छा मतलब छोटे भाई की तरह, तो उसने वो हमें जमीन दिलवा रहा है और यहाँ पे वो कैंप जो है करीब ढाई। ऋषिकेश के चीला होते हुए हरिद्वार जाने वाले मार्ग पर उफनती नदियों में पुलिस की वैन फंस गई। बता दें कि कैदियों को ले जाने वाली वैन नदी के पानी को पार कर रही थी,
लेकिन बीच में ही वह फंस गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक वैन के अंदर सजा काट रहा एक कैदी भी बैठा हुआ था। कैदी को हल्द्वानी से ऋषिकेश एम्स में उपचार के लिए लाया जा रहा था, जिसे पुलिस वापस लेकर जा रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद वैन को पानी के तेज बहाव से बाहर निकाला गया। तो ऋषिकेश में आज पुलिस की वैन नदी के तेज बहाव में फंस गई। आपको बता दें कि पुलिस की वैन एक कैदी को उपचार के बाद वापस जेल लेके जा रही थी, जिसके बीच में ही ऋषिकेश में वह एक नदी के तेज बहाव में फंस गई। आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद वैन को पानी के तेज बहाव से बाहर निकाला गया। और इसी के साथ उत्तराखंड के खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।